गुड मॉर्निंग अंकल. मॉर्निंग. मल्ली कहाँ है? ओके, मुझे कोई मर्डर मिस्ट्री नॉवल बताइए ना अंकल. क्यों, माँ बहुत गुस्सा कर रही है क्या? गुड वन. हाय. हाय. मूवी देखने चलेगी अभी? नहीं थैंक्स. एक्चुअली मेयर प्रकाश आ रहे हैं. तुम्हें नहीं पूछा तो तुम बुरा मानोगी ना, इसीलिए पूछ लिया. स्टूपिड. बाय. हाय, आप भी इस लाइब्रेरी में आती हैं? सरप्राइज. आपकी यहाँ पर मेंबरशिप है? मेंबरशिप? अरे वो तो कब से है. कल आते वक्त अपना फोटो ले आई है. कब मेंबरशिप कार्ड मिलेगा? अरे तो इतना छोटा और इतनी बड़ी बुक क्यों, तेरे को समझ में आएगी क्या? ये मेरी टेक्स्ट बुक है. क्यूट बॉय. आपको बच्चे बहुत पसंद है क्या? बहुत पसंद है. आपके कितने बच्चे हैं? मेरी शादी नहीं हुई अभी. अभी नहीं हुई? प्रॉब्लम है क्या? मतलब बेसिकली मुझे शादी करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. क्यों? क्यों मतलब शादी यानी 5-स्टार होटल में डिनर खाना. खाते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन बिल देते टाइम परेशानी होती है. समझी नहीं. समझ में नहीं आया? अच्छा मैं ठीक से बताता हूँ. शादी मतलब भैंस पालने जैसा है. जब वो दूध देती तो अच्छा लगता है लेकिन जब गोबर करती तो बहुत चिढ़ाती है. मतलब? इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता. ये टॉपिक यही रोक देंगे प्लीज. मुझे जाना है. मैं भी आता हूँ. मलिक पढ़ाई पे ध्यान दो. अरे प्रसाद. हाँ सर. यहाँ हो जरा. इसको इस टाइम पर ही सब याद आ जाता है. आ रहा हूँ सर. हाँ सर. हाँ बोलिए. देखो जीएम आ रहे हैं. आज कितनी भी देर हो जाए अकाउंट्स अपडेट होनी चाहिए. घर फोन करके बता दो. ओके सर. हेलो मैनेजर साहब, घर देर से आएंगे मैडम. जी ठीक है मैडम, बोल दिया सर. अरे कितना टाइम हो गया सीनू. फूलन देवी जी. हाँ? ये रहा आप. कैसे संभाल कर रखिये, मेरी कुर्सी पर क्यों रखा? कैसा इंसान है, इससे पीछे भी आंखें क्या? ए, मैं बाहर जा रहा हूँ. मैनेजर पूछे तो. आप क्लाइंट से मिलने गए? कब आऊंगा पूछे तो? कल सुबह आएंगे. शाबाश, बहुत आगे जाएगा तू. कभी 150 चाहिए तो मुझे बोलना. हाँ सर, 100 रुपए दीजिए ना. हाँ बस सर, भिखमंगे आ गए. बाद में देता हूँ ना. Thank God, time to call. Emily. तोड़ता है. निकल गया. पार करके जल्दी आ जाना. माली तू यहीं रुक, मैं हाफ एन आवर में आ जाऊंगी प्लीज. ए ऐसे रोज रोज मिलने जाना गलत बात है. पता है, इसलिए आज राजेश से मिल रही हूँ. बाय. स्टूपिड. सर सर, 1 रुपया सर. 1 रुपया सर. बोला ना साहब. सर प्लीज सर, 1 रुपया दो ना सर. सर सर बहुत भूख लगी है सर. क्यों दूं तेरे को पैसे? तूने कर्जा दिया मुझे क्या? उधार दिया क्या जो मांग रहा है? हाँ एक वजह बता कि मैं तेरे को पैसे क्यों दूं. बोल, मेरे मुंह मत लग. जाए यहाँ से. सर अब तेरे को क्या चाहिए? आइसक्रीम खाएंगे. मैंगो वाला एकदम फ्रेश है. ठीक है सर, डिस्काउंट भी दूंगा आपको. मुझे नहीं चाहिए. क्या 2 रुपए भी नहीं है? ऐसा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, पसंद नहीं है. रोड साफ करने के झाड़ू के तिनके पे बर्फ का टुकड़ा लगा के रंग डाल के बेच रहा है. मैं बच्चा दिख रहा हूँ क्या? अब 1 मिनट भी अगर तू यहाँ दिखाना तो तेरी मुंडी यहीं गाड़ दूंगा मैं. जा यहाँ से.
चले आते हैं आइसक्रीम बेचने। अरे वाह, तुम भी इसी बीच पर आई हो। और कितने बीच हैं इस शहर में? करेक्ट। शाम हो गई है, आपको घर जाना होगा। किसके लिए जाऊं घर? क्यों, तुम्हारा कोई नहीं है? सब है, एक भैया है, भाभी है, और उनके 6 साल के संसार में 7 साल की एक बेटी है। वो कैसे? ओह सॉरी, उनके 7 साल के संसार में 6 साल की एक बेटी है। ओह, तुम्हारी उनसे जमती नहीं? ना ना ना, उन दोनों का नहीं जमता है। भैया को बहुत गुस्सा आता है, भाभी की नाक भी चढ़ी रहती है, तो नेचुरली उनमें झगड़ा होता ही रहता है। अरे हमेशा तलाक की बात करते रहते हैं, ये भी नहीं सोचते कि बेटी का भविष्य क्या होगा। किराए का घर नहीं, 900 स्क्वायर फीट की जेल है। ओह, आई एम सो सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रही है? अब लॉकेट अच्छा है? ओ, ये लॉकेट नहीं है, हनुमान जी का ताबीज है। बचपन में मैं बीमार हो गया था तो माँ ने बांधा था। इससे कुछ भी मांगो तो इमीडिएट मिल जाता है, बहुत ही पावरफुल है। चाहे जान चली जाए इसे नहीं उतारूंगा। आइसक्रीम खाइए, ताजी आइसक्रीम। अभी लेकर आता हूँ। ठंडी आइसक्रीम, ऑरेंज है। दो आइसक्रीम दे तो। आपको नहीं दूंगा। प्लीज दो ना। रोड साफ करने की लकड़ी पर बर्फ और रंग लगा कर बेचता हूँ, आप क्यों खाएंगे? अरे इतनी सी बात पे तुम बुरा मान गए हैं? दो ना, लड़के के सामने मेरी इज्जत का सवाल है। नहीं देने वाला। 10 रुपए दूंगा। कहा ना सॉरी। चल ठीक है 20 दूंगा। जाइए यहाँ से। चल फाइनल 50। मेरा टाइम खोटी मत कीजिए, जाइए यहाँ से, निकलिए। ये लो दे दो। ठीक है, बाकी के 50 वो भूल जाइए। आइसक्रीम ये लीजिए। थैंक्स। यू वेलकम। कैसा लगा? अच्छा है ना? मैडम मैडम प्लीज मैडम, 1 रुपया मैडम। आपका दिल बहुत डायल हुआ। मेरे को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बोला ना। 10 रुपए? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मर गए। कितना? 100। अपनी बेटी की ट्यूशन की फीस भरनी थी। कितना भी कंट्रोल करूं लेकिन 20-30 हजार महीने के तो ऐसे ही चले जाते हैं। क्या करूं, मेरा दिल ही ऐसा है। यू आर ग्रेट। थैंक यू। अभी मेरी फ्रेंड आएगी तो मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठिए बैठिए ना, आइए। अरे मैं ड्रॉप करता हूँ ये बैग पकड़ी। आइए आइए प्लीज आइए। ओके बैठिए बैठिए। थैंक्स गुरुजी, 3 बोलने तक ये लड़की पलट के देखनी चाहिए। 1 2 3 यस। सुनिए आपका बैग। मैडम टी, ये तो सब गड़बड़ है, सर उधर रखो। ये दो, ये क्या है? अरे सिनू, क्या हुआ सर? सुन, एक रेजर और एक फेनल ऑयल का शीशा लाकर अपने बाथरूम में रख। मतलब लड़की बहुत गोरी है ना सर? तुझे कैसे मालूम रे? नहीं तो आप फिजूल में इतने पैसे क्यों खर्च करेंगे? यही तो तेरा प्रॉब्लम है, उंगली पकड़ाओ तो तू फट से हाथ पकड़ लेता है। सर क्या वो लड़की बहुत खूबसूरत है? खूबसूरत? ऐश्वर्या और करीना को मिक्सर में 15 मिनट डालने के बाद जो निकलेगी ना, वैसी दिखती वो। ऐसे लड़की से आप शादी करेंगे सर? देखेंगे, कर ली तो उसकी किस्मत, नहीं की तो लड़की की किस्मत। आप दोनों की बातचीत हो गई क्या? अरे इसमें बात का क्या है, कल ही बीच पे बैठ के आइसक्रीम खाई साथ में, आज मिलेंगे कुछ और खाएंगे। आपने ये सब कैसे किया सर? बात यह है कि मेरे पास बाय बर्थ होशियारी है, कल मैं अपना बैग मलेश्वरी के पास भूल गया था। ए, सेकंड क्लास में पढ़ती हो, 8 में से 9 निकालने के लिए पास में से उधार लेना नहीं मालूम? डैडी आपने ही बोला था किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। अब तुम मुझे सिखाओगी? चुपचाप बैठ कर होमवर्क करो। Excuse me, आप प्रसाद के बड़े भाई हैं क्या? क्या तुम उसकी शिकायत करने आई हो? कल हमारे घर में ये बैग भूल गए थे। तुम्हारे घर क्यों आया वो? क्योंकि यहाँ नहीं आना चाहते थे। आप जा रहे हो? हाँ। आपसे 1 मिनट बात करनी है। सॉरी, मेरे बस का वक्त हो गया। एक बस चली गई तो दूसरी बस मिल जाएगी, लेकिन एक जिंदगी चली जाए तो दूसरी नहीं मिलती। सही कह रही हो, मगर लेकिन किसकी जिंदगी? सब जानते हुए भी आप जिद करना क्यों नहीं छोड़ते? जिद नहीं मैडम, पंक्चुअलिटी। वक्त पर नहीं गए तो काम नहीं होगा। एक काम नहीं हुआ तो मैं दूसरा काम कर लूंगा, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बोल रही हो? आप गलत काम कर रहे हैं, इसलिए आपकी बीवी की जिंदगी से खेलने का हक आपको नहीं है। क्या
मैं उसकी जिंदगी से खेल रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी से खेल रही है। और क्यों छुपाते हैं आप, उनको देखिए कैसे रो रही है। हुँ? क्या हुआ, तुम रो रही हो? नहीं जी, मैं तो प्याज काट रही थी। झूठ मत बोलिए, आप इन पे जुल्म कर रहे हैं। ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। टॉपिक डाइवर्ट मत कीजिए। देखो, असल में तुम कौन हो, हमारे घर क्यों आई हो, तुम्हें क्या चाहिए? आप दोनों खुशी से रहिए, यही मैं चाहती हूँ। हम बहुत खुश है। नहीं, मुझे प्रसाद ने सब कुछ बता दिया। इस छोटी सी बच्ची की खातिर आप मिलकर नहीं रह सकते। आप तलाक लेकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या तलाक? क्या रे, इतने ध्यान से पढ़ रही, तेरे पिताजी बाहर नहीं गए क्या? ये ले तेरे लिए चोकोबार। नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास बड़ा बार है। ठीक है, रख ले। भाभी, अर्जेंट पानी गर्म रखिए, मुझे नहाकर तुरंत बाहर जाना है। और ना रखूं तो बिना नहाए ही चला जाऊंगा। क्या बात है, सब लोग सीरियस क्यों हैं? क्या बात है भैया, गले में पट्टा, एकदम हीरो लग रहे हो आप। मलेश्वरी आई थी। आपने कहा आपको गांव जाना है। पोस्टपोन कर लिया। थोड़ा काम है, बाहर जाकर आता हूँ मैं। तू भी पोस्टपोन कर ले। भैया, भाभी के सामने ऐसे झगड़ा करना शोभा नहीं देता। कोई बात नहीं, डॉली डर जाएगी। भैया, ये बेल्ट उसी ने दिया है। तू आजकल बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रहा है। क्या भाग रहे भैया? रुक जाइए, क्या भाग रहे? रुक 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 रुक। भैया, मैंने कुछ नहीं किया। रुक, मैं तो छोडूंगा नहीं। रुक, क्या भाग रहे? अरे बेटा, टमाटर ले लो, टमाटर, टमाटर 20 रुपया किलो, टमाटर ले लो, ताजे ताजे टमाटर। एक किलो एग्स दो। दर्जन भर चाहिए। ये लो। कितना? 12 रुपए। एक के 12 हुए तो 12 × 12 = 144। चिकन से भी सस्ता है। बहुत सस्ता है। अरे, एक डजन अंडे 144 रुपए में देगा। मैंने कहा इन्होंने ही तो दिए थे। इन्होंने दिए तो ले लेगा। ए, उसे छोड़ो। इतना झूठ बोला और फिर भी आप बोलो छोड़ दूं। तुम्हें भी तो छोड़ दिया। मतलब मैंने झूठ बोला? मैंने झूठ बोला? यू मीन मैंने झूठ बोला? ओके, झूठ बोला है, लेकिन क्यों बोला है उसके बारे में सोचो जरा। तुम टीवी नहीं देखती हो, इसलिए क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर सकते। टीवी सीरियल्स के बारे में बात आउट ऑफ क्वेश्चन। और क्या बात करना है? लाओ बैग दो मुझे। मैंने झूठ या सही जो कुछ भी बोला, लेकिन मेरे जैसा फ्रेंड नहीं मिलेगा आपको। वन मिनट। लोग बाग भी केले के छिलके बीच सड़क पे फेंक देते हैं। डर्टी फेलोस, रोड पे फेंकने की जगह है, अगर किसी का पैर फिसल गया तो। मैं ऐसे काम कभी नहीं करता। अब भैया भाभी को तुमने देखा ना, वैसे नहीं है वो। जब लोग नहीं देखते तो भाभी भैया से झगड़ा करती है। लेकिन तुम्हें ऐसा फील करने की जरूरत नहीं। तुम ऐसा फील मत करना कि तुमने मुझे गलत समझा। मैं कभी ऐसा नहीं समझता। जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स। मतलब कितना भी बोलूं नहीं मानोगी, यही फाइनल है। ओके, गुस्सा आपको ही नहीं हमें भी आता है। अब ये ब्यूटीफुल फेस लाइफ में कभी नहीं दिखाऊंगा। बाय, गुड बाय। Ha ha ha!